चलिए 2021 का पेपर, आप लोगों के एग्जामिनेशन 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए 2021, 2017 एंड 2019, ये 3 साल का पेपर रट के चल जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, उसी में से एग्जाम में से आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 3 साल का पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, फटाफट से उस 3 साल के पेपर को आप कंप्लीट करके चल जाओ, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आपको 2021 का पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपका थ्योरी है। क्या है सर? थ्योरी है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूरा इनकम्प्लीट है। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी, यहाँ पे अवेलेबल क्या है लिखा हुआ नहीं है। तो मैं इसका, इस क्वेश्चन का को टाइप करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन को देख लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2021। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का था, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। बोल रहा है एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मटेरियल, आपका ए दिया हुआ है सम्स में, ए दिया हुआ है 12,000 यूनिट्स। कितना दिया हुआ है सर? ये 12,000 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ए 12,000 यूनिट्स टू प्रोड्यूस 3,000 यूनिट्स, इससे आपका जो फिनिश गुड्स बनने वाला है वो बोल रहा है 3,000 यूनिट बनने वाला है। ठीक है, ऑफ यूनिट जेड। ठीक है, एवरी ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया, मतलब ओ दे दिया है आपका कितना रुपया, कितना रुपया दे दिया सर? 200 रुपया दे दिया है। ठीक है सर, उसके बाद इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, कितना दिया हुआ सर? 1 रुपया 20 पैसा। सेफ्टी स्टॉक इज 20 डेज, सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है आपका, सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है आपका कि 20 दिन का आप सेफ्टी स्टॉक कम से कम आप अपने पास रखते हो, 20 दिन का। ठीक है, कंजम्पशन है, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ न्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, जो गुड्स का सप्लाई आपको लगता है, टाइम, एक मिनट, टाइम फॉर सप्लाई कितना रुपए का है सर? कितना रुपए का है सर? कितना रुपए, कितना दिन का है सर? 15 दिन का है, आपको 15 दिन लगता है कोई भी गुड्स का ऑर्डर करके आपके पास पहुंचने में। ठीक है, इसमें आपको पूछा क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ईओक्यू, क्या हम लोगों का ईओक्यू निकल जाएगा? यस सर, ईओक्यू तो एकदम फॉर्मूला एकदम सेम है, 2 इंटू ए कितना है सर? 12,000 मल्टीप्लाई बाय ओ कितना है सर? ओ है 200 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है सर? 1.2, 1.2 का होल रूट, क्या होल रूट, ये बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2,000 यूनिट, कितना आ रहा सर? ये आ रहा है 2,000 यूनिट्स। सम्स का पहला पार्ट अपना कवर हो गया सर, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है सर? सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपका ऑर्डरिंग लेवल, मतलब आर ओ एल, क्या होता है सर आर ओ एल? इसका फॉर्मूला क्या था सर, याद है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। बट यहां पे एक और चीज सोचने का दरकार है आपका, यदि यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है तो सेफ्टी स्टॉक को क्या कर देना, जोड़ देना। अब दो तरीके से निकाल सकते हैं आरओएल, या तो एक्सक्लूडिंग करके सेफ्टी स्टॉक को हटा के, या फिर सेफ्टी स्टॉक को लेके। चलिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है सर? मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? मैक्सिमम कंजम्पशन आप देख के बताओ मेरे को, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? ठीक है, देखिए इसको निकालने के लिए आप देखोगे पूरे साल भर में आपको कितना चाहिए सर, इसको पूरे साल भर में आपको 12,000 केजी चाहिए, 12,000 यूनिट चाहिए, और आपको दिया हुआ सेंस में कि पूरे साल भर में कितना दिन है सर? पूरे साल भर में 300 दिन माना गया है। ठीक है, 300 दिन माना गया है, तो देखो मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब डेली कंजम्पशन, यदि मैं निकालू कि डेली कंजम्पशन कितना होगा, तो पूरे बताओ एक बार कि पूरे साल भर में मेरे को यदि 12,000 चाहिए और मेरे को पूरे साल भर में 300 दिन है, तो एक दिन में कितना निकला? ये आ गया 40, कितना आ गया सर? ये 40 यूनिट्स आ गया। यस सर, समझ गए। अब इसको इसको ऊपर वाले फॉर्मूला पर लगाओ, 40 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम कितना दिन है सर? मैक्सिमम लीड टाइम आपको दिया हुआ था 15 दिन का, 15 दिन का, 15 दिन का, 15 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ये मैक्सिमम है। अरे भाई, ना ही मिनिमम बोला है ना ही मैक्सिमम बोला है, तो यही मिनिमम है, यही मैक्सिमम है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके पहले जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैंने बता दिया। सेफ्टी स्टॉक कितने का सर? सेफ्टी स्टॉक दे दिया है कितना? 20 दिन का, 20 दिन का, मतलब 1 दिन का 40, तो 20 दिन का, 1 दिन का 40, तो 20 दिन का 800 सर, इसको सॉल्व कर दो कितना आ रहा है, देख लो
ये हो जाएगा 15 चौके 600, 600 6 5 6 5 14, यह आ जाएगा आपका 800, 800 600, 800 ये 600 हो जाएगा प्लस 800 हो जाएगा, सर हो जाएगा 1400 रुपये। समझ गया क्या? यस सर। नाउ सेकंड पार्ट अपने सम्स का खत्म हुआ, सम्स का थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है मिनिमम लेवल। क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहा है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम, मतलब एवरेज लिफ्ट टाइम। सर बताइए सर, आर ओ एल तो ऑलरेडी निकाल के रखे हैं ना सर, आर ओ एल क्या निकाल के रखे हैं सर? हाँ सर, आप यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक लो। अच्छा एक बार बता, बिना सेफ्टी स्टॉक का कितना निकलेगा? यदि एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक निकलेगा तो कितना निकलेगा? 600। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा सर? दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आपको लेना है 1400 तो 1400 भी ले सकते हो। 1400 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना होगा सर? एवरेज कंजम्पशन कितना होगा सर? एवरेज कंजम्पशन वही मैं मानूंगा भाई 40 मल्टीप्लाई बाई एवरेज टाइम सर, वही 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 15 दिन वही मानूंगा। कितना हो जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 800 यूनिट। कितना जाएगा सर? ये आ जाएगा 800 यूनिट्स। याद रखना, यहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो कि सर यहाँ पे 600 लेना चाहिए, 600 भी ले सकते हो, 1400 भी ले सकते हो, तुम्हारा मन, तुम किस हिसाब से सम्स करते हो। तुम 600 भी ले सकते हो और 600 भी ले सकते हो, और बताओ क्या, 600 भी ले सकते हो और 1400 भी ले सकते हो। ठीक है? यस सर। नाउ ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा हुआ मैक्सिमम लेवल। क्या पूछा है बताओ? पॉइंट नंबर 4 पूछा है मैक्सिमम लेवल। ठीक है सर, ये कैसे निकलेगा सर? अगेन फॉर्मूला क्या तैयार करो, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एल माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम। सर आर ओ क्यू कितना सर? आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू मतलब ईओ क्यू, ईओ क्यू कितना था सर? 2000 यूनिट। मैं 2000 यूनिट यहाँ पे लिख दूंगा सर। यहाँ पे आर ओ एल, सर आर ओ एल क्या करना सर? आर ओ एल कौन सा लो सर? अगेन वही 1400 भी ले सकते हो, 600 भी ले सकते हो। एक काम करोगे, एग्जाम में दोनों बना के आ जाओगे, यदि आपके पास टाइम है दोनों बना के आ जाओगे तो मैं यहाँ पे 1400 रुपया लेके दिखा दे रहा हूँ। आप दोनों बना के आ जाना यहाँ पे 1400 रुपये की जगह पे, आप चाहो तो मात्र 600 करके भी आप आ सकते हैं। एग्जाम में दोनों करके आना, यदि आप कंफ्यूजन हो। मिनिमम यूसेज कितना होगा सर? वही 40, और मिनिमम रिटर्न वही 15 का 15। ठीक है, ये देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 34। एक मिनट रुकिए, ये आ रहा है आपका 2800 यूनिट। कितना आ रहा सर? ये 2800 यूनिट्स ना, 2800 यूनिट्स। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम लेवल। अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। बोला है कंपनी फॉलोज लिफो मैथड, एक कंपनी है जो लिफो मैथड फॉलो करती है इन द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू पे। फॉलोइंग द फॉलोइंग इशू फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जून। जून के लिए आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले स्टॉक दे दिया, स्टॉक इन हैंड 100 यूनिट्स 6 रुपए करके, परचेस दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्स दे दिया है। ठीक है, सेल्स का यहाँ पे डेट दे दिया। ठीक है, फटाफट से आप फटाफट से बनाओगे, फटाफट से आप लोग भी फॉर्मेट टानी, मैं भी फॉर्मेट टानता हूँ। चलिए ये मैंने फॉर्मेट टान दिया, फॉर्मेट मैं क्या लिखूंगा, स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट ब्रैकेट में लिफो, लिफो मेथड अपना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 3। चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपका बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स 6 रुपए करके, मैं यहाँ पे 100 यूनिट 6 रुपए करके 600 रुपए लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखूंगा सर? ओपनिंग बैलेंस। डेट क्या है सर? डेट लिखो, डेट लिखो, डेट लिखो, डेट लिखो। डेट क्या था? डेट है तुम्हारा 1 मार्च, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 मार्च। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, आगे सर, आगे। सबसे पहले क्या हुआ, 12 मार्च, 12 मार्च को पहले क्या किया है, खरीदा है कितना? 200 यूनिट 8 रुपए। 12 मार्च 200 यूनिट 8 रुपए करके, 8 दुनी 1600 रुपए का खरीदा है। अब आपके पास गोडाउन में आपके पास दो टाइप का सामान आ गया, एक 6 रुपया वाला और एक 8 रुपया वाला। 6 रुपया वाला जो है 100 यूनिट है 600 रुपए का, और एक 8 रुपया वाला है जो आपका 200 यूनिट है 1600 रुपए का। इसमें किसी को डाउट है सर? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़िए सर। चलिए 19 तारीख को देखो, यहाँ पे 12 तारीख के बाद कौन सा डेट आएगा? 12 तारीख के बाद आएगा 19 तारीख आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे देखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 19 तारीख को देखो 220 यूनिट आपको देना है।
19 तारीख को आपको 220 यूनिट देना है 19 तारीख को, ठीक है मैं देता हूं 19 तारीख 19 थी 220 यूनिट। अब लिफो मेथड है तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग कहां से लेंगे, सबसे पहले लेंगे यहां से, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वहां से ऊपर से, हाँ सर नीचे से लेते हैं हम लोग लिफो, लिफो का मतलब। तो सबसे पहले मैं यहां पे 200 यूनिट ले लूंगा 8 रुपया वाला, 1600 रुपया खत्म, 1600 रुपये का सामान खत्म, और 20 यूनिट जो चाहिए अपने को ऊपर वाला से चाहिए, तो मैं 120 रुपये यहां से ले लूंगा। अच्छा तो सर गोडाउन में बचेगा कितना, गोडाउन में ये तो खत्म हो जाएगा, अपने पास बचेगा कितना 80 यूनिट्स 6 रुपए करके 480 रुपए का चीज, ये मैं इश्यू कर दिया, ये मैं रिसीव किया था, ठीक है रिमार्क में लिखना मत भूलना, ठीक है आगे देखिए। आगे क्या हुआ, आगे हुआ आगे अगेन 22 तारीख को हम लोग क्या किए, फिर से यूनिट खरीदे 150 यूनिट 700 करके 22 तारीख को, राइट 22 तारीख 22 तारीख 22 दिन क्या हुआ 150 यूनिट 7 रुपए करके, ठीक है 150 यूनिट 700 रुपए करके कितना हो जाएगा 1050। अच्छा अब आपके पास क्या है, अब आपके पास दो यूनिट है, एक 80 वाला, एक 80 6 रुपए वाला 480 रुपया, और एक आपका 150 7 रुपए करके 1050 रुपये, ठीक है सर। यस सर ये आपको क्या आ गया, ये आ गया रिसीव आ गया, समझे क्या, अरे भैया समझे क्या, यस सर। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ, 22 तारीख के बाद दिया हुआ 28 तारीख, 28 28 को 200 यूनिट क्या किए हैं, इशू किए हैं, राइट 200 यूनिट इशू किए हैं 228 तारीख 200 यूनिट इशू किए हैं 200, क्योंकि लिफो है तो पहले नीचे से लेंगे 150 यूनिट, और उसके बाद बचेगा तो 50 यूनिट ऊपर से ले लेंगे। तो आपके पास ये 6 ये 7 रुपए वाला जो 1050 का सामान था खत्म हो गया, और ये आपका हो गया आपका 50 यूनिट आपका कितना 6 रुपए वाला 300 रुपया। अब आपका चला गया आपके पास 3 यूनिट बचा कितना सर, आपके पास 30 यूनिट बचा है 6 रुपया वाला 180 रुपए का। अच्छा सर समझ गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया, समझ गए, समझ गए क्या, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है बस। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, कितना इजी क्वेश्चंस था, ठीक है चलिए चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं बार आराम से। और क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट द मंथली रेमुनरेशन पूछ रहा है, एक मंथली रेमुनरेशन कितना होगा ये बताना है आपको, वर्कर ए का वर्कर बी का, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। सबसे पहले जो जो पॉइंट दिया हुआ, वो दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच वर्कर, एक एक वर्कर का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितने का है 2000 यूनिट का है, ठीक है। अच्छा रेट ऑफ वेजेस कितना है 15 रुपया पर यूनिट, पर यूनिट याद है पर आवर का दिया हुआ, पर यूनिट का दिया हुआ, ठीक है। बोनस दिया हुआ 600 रुपया फॉर ईच 2% इंक्रीज इन इफिशियंसी ओवर 90%, 90% से अब जितना परसेंट भी इफिशियंसी बढ़ेगा हर एक 2-2% के ऊपर हम लोग 600 रुपया हम लोग देंगे। डीएनएस अलाउंसेस कितना है सर 50% ऑफ प्राइस वेजेस, और हाउस एंड अलाउंसेस 30% पीस वेजेस दिया हुआ, ठीक है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 8000, मैक्सिमम किसी को 8000 देंगे बट पीस सेट के हिसाब से दिया जाएगा तो कितना 30% दिया जाएगा, ठीक है। यूनिट इज कंप्लीटेड बाय द टू वर्कर्स ए, ए जो है 1920 बनाया और बी जो है 1760 बनाया, ठीक है। देखो इस टाइप के सम्स को मैंने ऑलरेडी क्लास में कई बार बताया है आप लोगों को कि सबसे पहले क्या करना, इस टाइप के सम्स में सबसे पहले जो सबसे पहला जो काम करना है क्वेश्चन नंबर 4 टाइप का, मैं सबसे पहले आप इफिशियंसी निकालो, तो कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी में सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, इफिशियंसी निकालोगे, राइट। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इफिशियंसी निकालो। चलो निकालते हैं, यहाँ पे दो दो वर्कर है ना, ए है और बी है। ए का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, आपको पता है कि हम लोग जब भी यूनिट्स में दिया रहता है, यूनिट्स में दिया रहता है तो जितना यूनिट्स वो बनाया था डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग, जितना यूनिट हम लोगों का स्टैंडर्ड था, ठीक है। एक में मैं चार्ज लगा लेता हूँ, चलिए तो इफिशियंसी सबसे पहले निकालेंगे, इफिशियंसी ए का निकालते हैं। कैसे निकलता है सर, जितना यूनिट वो लोग बनाया था मतलब एक्चुअल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। सर ए कितना बनाया था, सर ए देखिए कितना बनाया था, देखो दिया हुआ ए दिया हुआ है आपका 1920 और ये दे दिया 1760। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1920 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 1760 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, समझे क्या। यस सर 1920 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 1760 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका ये सॉल्यूशन करके आएगा 96%, ये आपका आएगा 88%। समझ गए सर, समझ गए समझ गए। सबसे पहले क्या इफिशियंसी, हाँ सर अब क्या करो ना, अब क्या करो कैलकुलेशन ऑफ बोनस निकालो, क्योंकि आपको पता है बोनस आपके इफिशियंसी के ऊपर है। हाँ सर बोनस जो दिया हुआ है वो आपके इफिशियंसी के ऊपर है ना, मैंने पहले इफिशियंसी निकाला फिर इफिशियंसी, देखो बोनस क्या दिया हुआ है, बोला 90% से अब जितना भी परसेंटेज है पर 2-2% के लिए हम लोग 600 रुपए देते पर 2% के लिए। अब एक बात बताओ, यदि मैं वर्कर ए के बारे में बात, ए का जो बोनस होगा कैसे निकलेगा,
सर एक्स्ट्रा 90% से एक्स्ट्रा कितना परसेंट है सर? 6% है, 6% है पर 2% के लिए। पर 2% के लिए कितना रुपए दे रहे हो सर? पर 2% के लिए दे रहे हो कितना बताओ 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 बताओ, 600 रुपए दे रहे हो पर 2% के लिए, 600 रुपए दे रहे हो। इसका मतलब आपको, यदि आपको ये करना है तो ऐसे निकाल सकते हो, देखो दोबारा, 96 माइनस 90 डिवाइड बाय 2। सर ये 2 कैसे आया? 2 सर हर एक दो दो परसेंटेज के लिए ना, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसको मल्टीप्लाई करो कितना से सर? 600 रुपए सर। ये देखो कितना आ रही है, कितना आ रहा है देखो एक बार, 6 6 6 6 6 तो आ जाएगा 3 3 3 6 18 100, 1800 रुपए क्या हो जाएगा बोनस। नाउ बी का बोनस क्या होगा सर? ये तो सर हम लोग बताएंगे। अरे भैया बहुत इजी है इसलिए बताओगे ना, क्योंकि यहाँ पे 90% से ऊपर है ही नहीं, इसका मतलब बोनस मिलेगा क्या? नहीं सर, इसको तो बोनस नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका इफिशियंसी 90% से भी कम है। ठीक है, तो देखो एक बार, बोनस हम लोग निकाल दिए। सबसे पहले काम क्या किया, इफिशियंसी निकाले, दूसरा पॉइंट क्या निकाले, बोनस निकाले। ठीक है, बस उसके तो सम से दम आसान है, करते फटाफट से। क्या निकालने के लिए बोला था? कैलकुलेट द टोटल मंथली रेमुनरेशन। देखो देखो स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग टोटल वेजेस, टोटल क्या, कौन सा, क्या सर, क्या सर? टोटल वेजेस। देखो आप, यहां पे मैं वर्किंग कर दे रहा हूं, यहां पे मैं रुपया लिख दे रहा हूं। सबसे पहला एक वर्कर्स को क्या मिल रहा है सर? एक वर्कर्स को मिल रहा है 20 वेजेस, 20 वेजेस। अच्छा मैं वर्कर्स, दो वर्कर्स है क्या, मैं यहाँ पे ए भी कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ए और ई। यस सर, ठीक है। अरे भैया ठीक है, यस सर। पहले 20 वेजेस देखो, जो जितना पीस बनाया है उसके हिसाब से उसको वेजेस दे दो। ठीक है सर। ए कितना बनाया सर? ए बनाया है 1920, ए बनाया है 1920। अब पीस रेट क्या है सर? 15 रुपया। 1920 × 15 कर दोगे, पहला हो जाएगा 1920 × 15, और यहाँ पे 1700, 1700 कितना था? 1760 मल्टीप्लाई में 15। ये आपका आ जाएगा 28,800। ठीक है, और इसका आ जाएगा आपका, आ जाएगा 26,400। समझे क्या? अरे भाई समझे क्या? यस सर। पहला है 20 वेजेस, ठीक है सर। सेकंड, सेकंड एक वर्कर को क्या मिल रहा है देख लेना। सेकंड, पहले तो 20 वेजेस मिल रहा है, मिल गया हम लोग, दे दिए दे दिए। अब अपने को बोनस मिला, बोनस ऑलरेडी निकाल के रखे हैं क्या? हाँ सर, बोनस निकाल के रखे हैं, बोनस निकाल के रखे, बोनस इसका निकाल के रखे हैं 1800 रुपया, और इसका क्या होगा? नील। यस सर, ठीक है। 0.03, 0.03, 0.03, 0.03। वर्कर स्कोर क्या मिल रहा है सर? डीए मिला है, 50% प्राइस है सर। भैया इसी का 50% डीए निकाल, डी क्या था इसका? 50%, 28,800 का 50% कितना होगा? 14,400, और इसका 50% कितना होगा? इसका होगा 13,200 रुपया। आराम से कैलकुलेटर में करके देख लो मेरे दोस्त, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे उतना नहीं कर रहा हूँ। 0.5 क्या लिख दिया सर? अरे भैया 50% लिखा था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका भी वैसे ठीक है। और क्या दे रहा है वर्कर्स को? और क्या दे रहे हो? और दे रहे हो हाउस एंड अलाउंसेस, ये हो गया। हाउस एंड अलाउंसेस कितना है? 30% ऑफ पीस वेजेस, 30% ऑफ व्हाट? पीस वेजेस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 8,000। अच्छा आइए आइए आइए, क्या पूछ रहे हैं आपको? एचआरए, एचआरए दे रहे हो आप 30%, कितना दे रहे हो बताओ? 30% दे रहे हो, किसका 30% सर? पीस वेजेस का 30%, 28,800 का 30%। आप एक बार 28,800 का 30% निकालो, 28,800 का 30% कितना आ रहा सर? यार 8,660 रुपए, 8,640 रुपए कितना आ रहा सर? पहला का आ रहा है 8,640 रुपए, किसका निकाले सर? 28,800 का यदि 30% निकालते हैं तो आ रहा है 8,640 रुपया। बट आपको पता है लिखा हुआ क्या? सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 8,000, मतलब एक बंदे को 8,000 से ऊपर नहीं देना है, मतलब इसको कितना मैक्सिमम देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा मैक्सिमम 8,000 रुपया। ठीक है, फिर उसका निकालिए, उसका निकालिए 26,400, 26,400 मल्टीप्लाई में कितना? 30%, का आपका 7,920 रुपया, 7,920 रुपया। क्या हो गया क्या सर? क्या हो गया क्या सर? यस सर हो गया। फटाफट से अब काउंट करिए, 28,800 प्लस 14,400 प्लस 1,800 प्लस 8,000, ये ऐड करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है? ये अमाउंट आ रहा है 53,000, और ये आपका ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4,747,520।
47520, ठीक है, यस सर, 47520, दिस इज व्हाट व्हाट टोटल वेजेस, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया। समझ गए क्या, एकदम आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फोर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आइए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव थ्योरी है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है पास अ नेसेसरी जनरल एंट्री इन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। पहला बोला डायरेक्ट मटेरियल इश्यू, डायरेक्ट मटेरियल अकाउंटिंग ₹2 per 38,000 इश्यू टू द प्रोडक्शन। ओके देखिएगा, बात देखिए प्रोडक्शन के लिए हम डायरेक्ट मटेरियल इशू किए, इशू का मतलब ही होता है क्या, स्टोर लेजर को क्या कर दो, क्रिएट कर दो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या कर दो, क्रिएट कर दो। यदि मैं इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिखता हूं, ठीक है, मैं यदि इसका सॉल्यूशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्रिएट तो हो जाएगा स्टोर, स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल को मैं क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा सर, डेबिट क्या करूंगा, कहां पे दे रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हो ना, इसका मैं WIP क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, WIP कंट्रोल अकाउंट, कितना रुपए सर, 38,000, ठीक है, यस सर, समझिए सर। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू पर ध्यान, अब क्या हुआ, गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसपोर्ट 38,000 इश्यू टू द प्रोडक्शन। ओके गुड कंप्लीट हो गया था, गुड्स क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था एंड ट्रांसपोर्ट 38,000 इश्यू टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से इश्यू होकर कहां पे जा रहे सर, फिनिश गुड्स की तरफ जा रहा है, मतलब फिनिश गुड्स की तरफ जा रहा है तो फिनिश गुड्स को मैं डेबिट करूंगा सर, तो एंट्री क्या होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा सर, WIP, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये फिनिश गुड्स निकल के जा रहे हैं तो WIP कंट्रोल क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, समझे क्या, यस सर, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल। ओके सर समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट बोला मटेरियल परचेज ₹42,000 इन कैश एंड ₹27,000 ऑन क्रेडिट। अभी वो उधार में खरीद या कैश में खरीद, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में अपने कोई कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली ये देखो कि मटेरियल खरीद रहे ना, मटेरियल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, जब मटेरियल जा रहा था तो मैं स्टोर लेजर को क्या किया था, ट्रेड किया था, जब आ रहा है तो मैं स्टोर लेजर को क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा, डेबिट करूंगा, तो ये आ जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। सर आप क्या करें सर, नॉर्मल नॉर्मल अकाउंट्स के रिकॉर्ड में क्या होता है, बैंक कैश ये सब लिखते हैं या फिर उधार में खरीदते तो उसका नाम, तो यहां पे सर क्या लिखेंगे, यहां पे आप क्या लिखोगे, ये समझ, यहां पे आप लिखोगे कॉस्ट लेजर अकाउंट, कॉस्ट लेजर अकाउंट। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसको भी चैप्टर में कहीं पे भी कंफ्यूजन है आप फटाफट से वो क्लासेस जाके देख लो, ठीक है, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये जनरल एंट्री आपको रट्टा नहीं पड़ेगा, आप कहीं पे भी ट्यूशन पढ़े हो, सॉरी सॉरी मैं यहाँ पे एरो गलत जगह बना दी, यहाँ पे एरो, कहीं पे भी ट्यूशन पढ़े हुए थी, ट्यूशन पढ़ते वक्त कुछ गलत कर दिया हो या फिर नहीं पढ़ पाए हो ठीक से, या फिर रट्टा मारने वाला चीज को पढ़ाया गया है तो वैसे मत पढ़ना भाई, उसका ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, आप जाके वहां पे वो वाला वीडियो को देखोगे पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैंने कोई भी जनरल एंट्री को रटवाया नहीं है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक बताया है और ऐसा ट्रिक बताया है जिसके जरिए आप खुद से कर सकते हो जनरल एंट्री, ठीक है, समझ गया क्या, यस सर, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या दिया भाई, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है कितने का सर, 7,000 का फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है। एक बार बताओ फैक्ट्री बिल्डिंग है क्या सर, ये तो प्रोडक्शन ओवरहेड है, क्या है बताओ, प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो सर इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा, इसका एंट्री होगा प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, यस सर समझ गया, ठीक है, कितना रुपया, 7,000 रुपीज, समझ गया क्या, सबका सब जनरल एंट्री क्लियर है, यस सर यहां तक सबका सब क्लियर है। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, रिकवरी किया गया, रिकवरी का मतलब खर्चा किया गया, एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, देखो एक बार बताओ फैक्ट्री ओवरहेड है ना, मतलब WIP होगा, हाँ सर WIP को मैं पहले ऊपर डेबिट करूंगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और ये प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, प्रोडक्शन, तो मैं प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर, क्रिएट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड,
डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, समझ गए क्या? यस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, मिस्टर गुप्ता द ओनर ऑफ टैक्सी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, किसका? मिस्टर गुप्ता का। बोल रहा है कि एक टैक्सी खरीदा कितने रुपए में सर? 7,60,000 रुपए में, जिसका यूजफुल लाइफ है 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर तक वो जा सकता है, ठीक है। उसका रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू कितने का है सर? 40,000 का। मतलब 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी यदि इसको पूरा कर करके भाव में बेचा जाए तो 40,000 पर रिकवर हो जाएगा। सर ड्राइवर्स का सैलरी कितना है? सर ड्राइवर का सैलरी पर एनम में दिया हुआ कितना रुपया? 6,000 रुपया दिया हुआ पर एनम। ड्राइवर सैलरी पर एनम नहीं है मेरे दोस्त, पर एनम 6,000 रुपया तो बहुत कम नहीं हो जाएगा। ये आंसर इज पर मंथ होगा। ये क्या होगा सर? ये पर मंथ होगा। ये पर क्या हो जाएगा? ये पर मंथ है, ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर्स दिया हुआ सर, रिपेयर्स कितना दिया हुआ सर? रिपेयर्स दिया हुआ है 7,200 पर एनम, ठीक है सर, ठीक है। गैरेज दिया हुआ है, गैरेज दिया हुआ है 1200 का पर मंथ, ठीक है। रोड टैक्सेस सर, इंश्योरेंस दे दिया है आपका कितना रुपया? 36,000 पर एनम। उसके बाद आपको दिया हुआ है डीजल एंड कंजम्पशन दे दिया ₹10 पर लीटर, 1 लीटर का दाम है 10 रुपया और ₹90 पर लीटर। एक मिनट, यहाँ पे कुछ लोचा नजर आ रहा है। डीजल कंजम्पशन 10 किलोमीटर पर लीटर, अच्छा, यहाँ पे ना ये रुपया नहीं होगा, ये वाला जो रुपया वर्ड है ना, ये रुपया नहीं है, ठीक है। क्या होगा? 10 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाती है और 1 लीटर का दाम कितना रुपया है सर? 90 रुपए दाम है, ठीक है सर। मैक्सिमम सीटिंग फीस कितने का है? मैक्सिमम सीटिंग फीस है 4 जन, 4 जन बैठ सकता है सर, 4 जन उसमें बैठने का कैपेसिटी है सर। टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 120 किलोमीटर पर डे 120 किलोमीटर जाती है, 25 दिन तक चलती है एंड मंथली 20% ऑफ द डिस्टेंस हैज बीन रन विदाउट एनी पैसेंजर। 20% ऐसा होता है कि कोई भी पैसेंजर नहीं चलता, बट अपने को गाड़ी को तो चलाना पड़ता है। कैलकुलेटर कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर किलोमीटर तुमसे पूछ रहा है। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसमें हम लोग सब कॉस्ट को जोड़ेंगे, उसका डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे जितना किलोमीटर वो रन हुआ है उससे, ठीक है। तो अपने को दो चीज चाहिए बस निकालने के लिए, ठीक है। चलिए चालू करते हैं सबसे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या निकालेंगे? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट, क्या पूछा था? कॉस्ट पर पैसेंजर ना, कॉस्ट पर किलोमीटर, अच्छा कॉस्ट पर किलोमीटर तुमसे पूछ रहा है, कॉस्ट पर किलोमीटर, ठीक है। आपको पता है दो कॉलम करेंगे हम लोग, एक पर मंथ का, एक पर मंथ का और एक पर पर किलोमीटर का, एक है पर किलोमीटर का। दो पार्ट, पहला पार्ट सर, पहला पार्ट होगा फिक्स्ड, दूसरा पार्ट होगा सर वेरिएबल। अब इसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड को निकाल दो। चलिए फिक्स के बारे में मैं बात करता हूं, 6 फिक्स के बारे में। तो देखो एक बार, चाहो तो ड्राइवर सैलरी को आप फिक्स के कैटेगरी में डाल सकते हो, अदरवाइज आप उसको वेरिएबल में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो आप वेरिएबल में डालोगे तो ज्यादा बेटर है, आप फिक्स में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर रिपेयर्स कहाँ डाले? रिपेयर्स आप वेरिएबल में डालो। गैरेज रेंट को आप डाल सकते हो, गैरेज रेंट जो है गैरेज का जो रेंट है 1200 पर मंथ, ये तुम्हारा आप डाल सकते हो कहाँ पे? फिक्स में। तो गैरेज रेंट डाल सकते हो यहाँ पे, गैरेज रेंट। देखो यहाँ पे इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस रूल के जरिए आप इसको फिक्स मानोगे इसको वेरिएबल मानोगे, नहीं, अपने हिसाब से मान सकते हो। 1200 रुपये में यहाँ पे, ओके सर समझ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ सर? उसके बाद एक मैं जो जो चीज ट्रांसफर कर दे रहा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है। सेकंड, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस दे दिया है कितना? 36,000 पर एनम। रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस 36,000 पर एनम, ये आप मानोगे फिक्स रोड टैक्सेस, बट यहाँ पे दिया हुआ पूरे साल का दिया हुआ, अपने को तो पर मंथ का निकालना पड़ेगा ना। यस सर, 36,000 डिवाइड बाई 12 करो ना, बताओ कितना पर मंथ कितना आ रहा है? ये आपका आएगा 3,000, 3,000, ठीक है। कितना आएगा सर? ये 3,000 रुपीज आएगा सर। क्या फिक्स्ड हो गया? देखते हैं बराबर,
और कुछ है? ये तो पूरा का पूरा वेरिएबल है, चलो ठीक है, मतलब सर सारा का सारा ये फिक्स्ड वाला पार्ट अपना कवर हो गया है। क्या मैं जोड़ सकता हूँ सर, क्या मैं जोड़ सकता हूँ यहाँ पे? हाँ सर यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 4200। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके समझ में। पहला चीज, अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में जो जो चीज नहीं छोड़ दिए हैं वो सब चीज यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा सर? वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ सर? सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। क्या दिया हुआ बताओ? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा है कि पूरे लाइफ कितना है सर? 7,60,000। रेसिडुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 40,000। आपको पता है बात कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है सर कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू, इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा तो उसको जोड़ देना, डिवाइडेड बाय क्या होगा? लाइफ ऑफ द एसेट्स। यही होता है ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगा के हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। देखना है, देखो प्रैक्टिकली उस चीज को फील करो। हाँ, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। कॉस्ट कितना है सर? कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 7,60,000। 7,60,000, मैं यहाँ पे 7,60,000 लिखूंगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस बोल के इसमें है नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दूं मैं डायरेक्टली। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ आपका 40,000 रुपीज, मैं 40,000 रुपीज यहाँ पे माइनस कर दूंगा, डिवाइड बाई लाइफ। सर लाइफ तो यहाँ पे, लाइफ तो यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है सर, डे मंथ में तो सॉरी ईयर में तो दिया ही नहीं है सर। ईयर में दिया तब ना निकालते, ईयर में दिया था तब निकालते। तब हम लोग देखो यहाँ पे एग्जाम में जब बैठोगे तो यहाँ पे आप फंसोगे, यहाँ पे आप फंसोगे, तब वहां पे आप आओगे वर्किंग वर्किंग नोट पे निकालोगे कि आपका किलोमीटर रन कितना है। वर्किंग नोट नंबर वन, किलोमीटर रन। अब ये निकालो एक बार खुद से, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए बोला है सम्स में कि आप जो कार चला रहे हैं, वो जो टैक्सी चला रहे हैं, वो 120 किलोमीटर पर डे चला रहे हैं। पर डे एक दिन में 120 किलोमीटर जा रहे हो। अच्छा सर, इस तरीके से 25 दिन आप जा रहे हो। इसको क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली? हाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 25 डेज, ये देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, ये कर रहा है यार आपका 3,000 किलोमीटर। अच्छा सर, क्या यही किलोमीटर रन? हाँ किलोमीटर रन तो इतना ही है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि 20% आपका एम्प्टी था, 20% आप जब जा रहे थे ना तो 20% आपका आपका टैक्सी खाली था और 80% आप पैसेंजर के साथ जा रहे थे। अच्छा ठीक है, इसका मतलब मैं इफेक्टिव, इसका मतलब मैं यदि इफेक्टिव किलोमीटर रन निकालू, मतलब इफेक्टिवली किलोमीटर रन निकालो, किलोमीटर रन निकालो तो कैसे निकलेगा सर? ये निकलेगा ऐसे, देखो ये ऐसे निकलेगा, ये 3,000 को मैं 80% से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं, ये कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 2,400। कितना आएगा सर? ये आएगा 2,400 किलोमीटर, ये 3,000 और ये कितना है? 2,400। अच्छा सर, ये किस लिए निकाले सर? डेप्रिसिएशन में। देखो डेप्रिसिएशन में यदि आप डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा 2 लाख पूरा लाइफ कर देते तब तो एक एक कहा जाता ना, अपने को पूरे साल भर का चाहिए ना डेप्रिसिएशन, पूरे साल भर का निकालते हैं, याद है? पूरे साल भर का मतलब क्या? पूरे मंथ, यहाँ पे तो मंथ है ना, पूरे मंथ में कितना घंटे चला, कितना किलोमीटर चलाया हो? 3,000, तो वो क्या करना पड़ेगा इस केसेस में? आपको 3,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, क्योंकि देखो पूरे 2 लाख के लाइफ में आप, पूरे 2 लाख के लाइफ में आप 3,000 किलोमीटर ही इस महीने चलाए हो, तो आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपको तो 3,000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ सर, ये क्योंकि ये यदि खाली ये करके छोड़ देते हो तब तो आपका 1 किलोमीटर का आएगा ये आंसर, आपको 3,000 किलोमीटर का चाहिए, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करें, 3,000 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये बताइए कितना आ रहा है? 76, 7,60,000 माइनस 40,000 माइनस डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 3,000 से आ रहा है कितना? 10,800 आ रहा है, 10,800। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे फंसे तो हम लोग वर्किंग नोट में याद आया, देखो समझ में आया क्या? यस सर। ना नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट ये हुआ क्या? नेक्स्ट ये हुआ आपका ये हो गया ड्राइवर सैलरी, ये आपका हो गया ड्राइवर सैलरी, दिया हुआ ड्राइवर सैलरी 6,000 पर मंथ तो वैसे ही दिया हुआ, ड्राइवर सैलरी लिख सकते हैं ऐसे। देखिए सर ड्राइवर सैलरी को फिक्स मानना चाहिए ना? अरे भाई मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोला तो अभी ड्राइवर सैलरी आप कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि इसको मैं फिक्स मानूंगा, इसको मैं वेरिएबल मानूंगा, मैं ये अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूं, ठीक है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल,
ठीक है, आ गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ड्राइवर सैलरी की बात, रिपेयर चार्जेस हम लोग साथ है दोस्तों, पर एनम दिया हुआ है, अपने को क्या चाहिए पर मंथ चाहिए, तो लिखिए रिपेयर चार्जेस, रिपेयर्स चार्जेस सात है दोस्तों पर एनम दिया, तो क्या करना पड़ेगा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये सब 12 से मैं डिवाइड कर, ये आपका 12 चेक बाद 600 रुपया कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका क्या, डीजल कंजम्पशन, इसको निकालने के लिए एकदम सिंपल सवाल बोल रहा है कि एक लीटर में, एक लीटर पेट्रोल डालते हो तो 10 किलोमीटर तक चल जाता है, आपको पूरा का पूरा 3000 किलोमीटर जाना है, तो पहले ये समझो एक बार, 10 किलोमीटर एक एक लीटर तेल डालते हो तो 10 किलोमीटर तक जाता है, एक लीटर तेल डालते हो 10 किलोमीटर तक जाता है, और एक लीटर का दाम है 90 रुपया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 90 रुपये में मैं 10 किलोमीटर जाता हूँ, हाँ सर 90 रुपये डालता हूँ, 90 रुपये खर्च करता हूँ, मैं 10 किलोमीटर चला जाता हूँ, तो मैं 1 किलोमीटर का पहले रेट निकालूंगा डीजल का, यदि मैं कॉस्ट निकालू डीजल का, डीजल का कॉस्ट निकालू तो ऐसे निकाल सकता है, देखो तो मैं 90 रुपये डालता हूँ तो सर 10 किलोमीटर चल जाता हूँ, अपने को कितना किलोमीटर जाना है सर 3000, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ सर एकदम सिंपल है, हाँ सिंपल है एकदम सिंपल, बताइए कितना आ रही, ये 9 आएगा, 9 9 3 27 27 सर, या देगा 27, क्या मैं तीनों को जोड़ दूं, चारों को जोड़ दूं, चारों को जोड़ के बताइए कितना, चारों को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको जोड़ता हूँ, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ये बताओ कितना आ रहा है, 27 6 33 33 6 600 10 800 यार 44 400 यार कितना 44 400, समझे क्या, देखो अब तो उन दोनों का टोटल हम लोग कर लिए, देखो इसका भी टोटल हो गया है, इसका भी टोटल हो गया है, बस अपने को डिवाइड करके बाहर भेजना है सर, आगे खत्म, ठीक है सर, डिवाइड किससे करेंगे सर, डिवाइड हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना इफेक्टिव से करेंगे, इससे डिवाइड किससे होगा सर, इससे डिवाइड 2400, तो मैं क्या करूंगा 4200 डिवाइड में 2400 करो, ये आपका 1.75 रुपया आएगा, कितना आएगा सर, ये आएगा 1.75 रुपया, और ये कितना आएगा सर 44400 डिवाइड बाई 18.50 रुपए, ये आएगा कितना 18.50 रुपए, दोनों को जोड़ दे सर, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा अमाउंट 20 रुपया 20.25 रुपए, ये आपका आएगा क्या टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर रन, टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर रन, समझ गए क्या, अरे भैया समझ गए क्या, हाँ सर आपको किलोमीटर रन ही पूछा था, कॉस्ट पर किलोमीटर पूछा था, बट मान लीजिए इसमें पूछता कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कुछ नहीं करते मेरे दोस्त, ये जो अमाउंट आया था ना, ये 20 रुपया 25 पैसे आया था ना, इसको 4 रुपए से डिवाइड कर देना, इसको क्या कर देना 4 रुपए से डिवाइड कर देना, यदि पूछता तो मैं यहाँ पे निकाल देता, ठीक है ये, मगर पूछा नहीं समझ में, ठीक है पूछता तो ऐसे करते हम लोग, ठीक है अमाउंट आ जाएगा देख लेना, जो भी अमाउंट आएगा ये देख लेना, ठीक है समझ गए क्या, अरे भैया समझे क्या क्वेश्चन नंबर 7, यस सर, ये लास्ट वाला पार्ट मैंने जो बताया ये समझ में पूछा नहीं है, यदि पूछता तो क्या करता मैं 400 बस खाली डिवाइड कर देता, आपका आंसर ये वाला आ जाता, समझ गए क्या, यस सर, क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान है, देखिए बोल रहा है अ फैक्ट्री हैज रनिंग 90% कैपेसिटी, अभी एक फैक्ट्री है जो कि 90% कैपेसिटी में काम करता है, 9000 यूनिट बनाता है, और कॉस्ट कितना पड़ता है सर 90 रुपये पड़ता है, 90 का बाइफरकेशन यहाँ पे तोड़ के दे दिया है, ठीक है बोल रहा है मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन, बट आपको जब देखोगे तो मटेरियल और लेबर दोनों का दोनों क्या वेरिएबल है, बट यहाँ पे देखो 15 रुपए का दो पार्ट है, 6 रुपए फिक्स है, मतलब 9 रुपए क्या होगा वेरिएबल होगा, एक ऐसा कॉस्ट जहां पे वेरिएबल कॉस्ट भी है फिक्स्ड कॉस्ट भी है, उसे क्या बोलते हैं सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते, ठीक है बोल रहे हैं मान लो 90% की जगह पे आप 60% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो क्या होता, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, सबसे पहले क्या करना, देखो क्या निकालने के लिए बोला है, डिसाइड टू रन 60% कैपेसिटी, व्हाट शुड बी द टोटल कॉस्ट, आप लिखोगे क्या स्टेटमेंट शोइंग, पूरा का पूरा स्टोरी लिख दोगे, स्टेटमेंट शोइंग
टोटल कॉस्ट अंडर 60% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, समझ गए सर, समझ गए। अपने को दो कॉलम करना पड़ेगा सर, 90% का पहले एक बार कर लोगे, 90% का करोगे ही, यस सर, और 60% का भी करोगे सर, 90% का करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, सैमसंग बोला तो नहीं है, सैमसंग बोला है 60% का, बट आपको 90% भी करना पड़ेगा। आइए, तो आपको पता है यहां पे मैं कॉस्ट बोल सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको दो दो है, एक है मटेरियल और दूसरा क्या है लेबर, ठीक है। पहले आप 90% का पूरा सम्स को उतारोगे, देखो सबसे पहले देखो, 50 रुपीज दिया मटेरियल का कॉस्ट, 50 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 9000, 50 एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, और यहाँ पे लेबर क्या रेट था, 15 रुपया था, ठीक है। तो 50 इंटू 9000 कितना आएगा सर, ये आएगा 4.5 लाख, आएगा कितना रुपया, 4.5 लाख, ओके सर, समझ गए समझ गए। अच्छा ये कितना होगा, 15 इंटू 9000 कितना होगा सर, ये आएगा 1,35,000, ठीक है सर। और मैंने दो चीज लिख दिया, मैंने ये और ये लिख दिया है सर, क्या फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये तो सेमी वेरिएबल है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड पहला दिया हुआ, क्या फैक्ट्री ओवरहेड, इसका दो पार्ट है सर, इसका दो पार्ट है, हाँ इसका सर दो पार्ट, पहला पार्ट क्या है फिक्स है, और दूसरा पार्ट क्या है वेरिएबल है। सर पहले फिक्स कॉस्ट का बताया सर, चलिए देखते हैं आपका क्या बोला है, 6 रुपया फिक्स है, 6 रुपया फिक्स है, मतलब 6 × 9000 कितना होगा, 9,654, यहां पे मैं लिखूंगा 54,000 रुपीज क्या है फिक्स है, तो सर वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है 9 रुपया, वेरिएबल कितना है सर, वेरिएबल है 9 रुपया, 9 रुपया इंटू इतना रेट कितना आ जाएगा, 81,000, कैलकुलेशन सही है ना, 6 रुपया हटाए तो 6 × 9000, ठीक है सही है, चलिए 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 ठीक है, चलिए आइए, ये हो गया आपका। फिर सेकंड, उसके बाद कॉस्ट क्या है सर, उसके बाद कॉस्ट है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, चलिए करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसका भी दो पार्ट, एक होगा फिक्स्ड पार्ट, एक होगा वेरिएबल कॉस्ट। यदि मैं फिक्स्ड पार्ट के बारे में बात करूं तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का फिक्स्ड पार्ट कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का फिक्स्ड पार्ट कितना है, 5 रुपया फिक्स है, 5 रुपया मल्टीप्लाई बाई 9000 मतलब 45,000 रुपीज, मैं यहां पे 45,000 रुपीज यहां पे लिख दूंगा, यस सर, और 5 रुपया फिक्स है, इसका मतलब आपका वेरिएबल कितना होगा, 5 रुपया फिक्स, 5 रुपया वेरिएबल होगा, 5 रुपया मल्टीप्लाई बाई इतना, तो ये भी 45,000 रुपीज हो जाएगी, दिया जाएगा 45,000 रुपीज, यहाँ पे रेट लिख लेना, यहाँ पे 5 रुपया सर, फिक्स का रेट नहीं, फिक्स का रेट क्यों लिखोगे, फिक्स तो फिक्स रहता है, यस सर, ये कितना होगा सर, चलिए आइए। अब तो सर मैंने सिर्फ सम्स को उतारा है, अभी 60% कैपेसिटी का सम्स पूछा था आपको, इसके अकॉर्डिंग करना है, सिंपल। देखो एक बात बताओ, जब हम लोग 90% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे तो आपको सम्स में दिया हुआ है कि आप 9000 यूनिट बना रहे थे, कितना बना रहे थे बताओ, 9000 यूनिट बना रहे थे, ठीक है, बताओ 90% की कैपेसिटी में 9000, तो 60% की कैपेसिटी में कितना होगा सर, 6000, कितना होगा सर, 6000। अब ये कैसे निकल गया सर, अरे भाई सिंपल, 90% डिवाइडेड बाई 90% × 60% आपका आ जाएगा कितना, 6000, ठीक है। चलिए तो ये कैसे निकलेगा, 6000 × 50 कितना होगा, 3 लाख रुपए, 6000 × 50 कितना आ जाएगा, 90,000, ओके सर, समझ गए समझ गए, ये बताइए सर क्या, अच्छा ये 54,000 रुपए का ऐसे ही उतर जाएगा, हाँ ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, आपको पता है कितना भी बनाओ कॉस्ट सेम होगा, क्या ये भी उतर जाएगा सर, हाँ ये भी उतर जाएगा, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा सर, 9 रुपए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6000 से, कितना जाएगा, 54,000,
और फिर यहाँ पे आप 5 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे कितना से, 6000 से, तो आ जाएगा 30,000। बस अब जोड़ दो, आपका सम्स खत्म हो गया। ओके सर, इतना इजी सम्स था, इतना ही इजी सम्स था, ठीक है, फटाफट से जोड़ के मेरे को बता दीजिए। आ रहा है पहले का आंसर आ रहा है 8,10,000, 8,10,000। दूसरे का 5,73,000, तो 5,73,000, 573। चलिए, आपका टोटल कॉस्ट निकल गया सर। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बन गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, और कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है सर, ठीक है सर, आइए चलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है समझना पहले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, कितना दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ सेल्स का दिया हुआ है डिटेल्स, ठीक है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट शोइंग, मतलब कॉस्ट शीट बेसिकली पूछ रहा है तुमसे, पूछ क्या कह रहा है, पहला पहला कौन पूछ रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम पूछ रहा है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट पूछ रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस पूछ रहा है, सीओएस पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा कॉस्ट शीट बना रहा है बस बात। ऑल्सो सो द पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट भी तुमसे पूछ रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट का। रॉ मटेरियल परचेस कितना दिया हुआ है? रॉ मटेरियल परचेस दिया हुआ है, यहां से आपको डिटेल दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल परचेस कितने का है सर, 3,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल परचेस, ठीक है। एब नॉर्मल लॉस कितने का है सर? एब नॉर्मल लॉस कितने का है? 20,000 रुपए का है। चलिए फटाफट से पहले मैं फॉर्मेट आता हूँ, फॉर्मेट कितना का होगा सर? फॉर्मेट आप 3 कॉलम का कर सकते हो, क्योंकि पर यूनिट पूछा है तो आप एक और कॉलम बढ़ा सकते, 3 कॉलम कर सकते। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट शीट लिखूंगा, कॉस्ट शीट, ठीक है, यहाँ पे रुपया रुपया, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, यस सर। चलिए आइए, चलिए पहला पार्ट, सबसे पहला दिया हुआ है क्या, सबसे पहले रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकालना है। नहीं, रॉ मेटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा सर? यहां पे तुमको देखो दिया हुआ है, नीचे में आपका ये ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है। ओपनिंग रॉ मेटेरियल कितना दिया? 20,000, क्लोजिंग रॉ मेटेरियल दिया 35,000 का, ठीक है। ओपनिंग WIP दे दिया 12,000 का, 32,000 का, अब 32,000 को इसका दे दिया 24,000 का, ठीक है। फिनिश गुड्स दे दिया है आपका 1,63,800, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे कोई मेथड लगेगा, बोला फीफो मेथड टू बी फॉलोड, यहाँ पे फीफो मेथड के हिसाब से आपको सम्स करना है, कोई इशू नहीं। देखिए आइए, सबसे पहले रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर? रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर? क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। कॉस्ट शीट, ठीक है, मैं फॉर्मेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप खाली अभी समझ देखो क्या, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितने का है सर? ओपनिंग रॉ मटेरियल कितने का है? ओपनिंग रॉ मटेरियल दे दिया है आपका शायद 20 का ना, 20 का, कितना दिया है सर? 20 का ओपनिंग रॉ मटेरियल, 20 परचेस कर दिया है कितना? 3,00,000 रुपये, जोड़ दूंगा, यस। ओपनिंग रॉ मटेरियल 20, इससे मैं ऐड कर दूंगा 25, इससे मैं क्या क्या ऐड कर दूंगा 25। आपको ऑलरेडी ऑलरेडी इसका फॉर्मेट पता होगा कॉस्ट शीट का, ये मैं आशा करता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें 25 में ऐड कर दूंगा, 25 कितने का है सर? 25 दिया हुआ था आपका 3,00,000 रुपए का, यस, ठीक है, 3,00,000 रुपए का ऐड कर दूंगा 25, और भी कुछ ऐड होगा सर? देखो तो, हाँ सर, देखो तो कुछ खर्चा वगैरह है क्या? हाँ, डेट खर्चा है ना, कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट 15 रुपए ऐड हो जाएगा, कैरेज इनवर्ट 15 रुपए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कैरेज इनवर्ट 15 रुपए का ऐड, से लेस क्या होगा सर? लेस क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेस क्या हो जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, बट इसके इसमें ना एक एबनॉर्मल लॉस भी है। एबनॉर्मल लॉस कितने का है सर? 20,000 रुपए का। एबनॉर्मल लॉस कितने का है सर? 20,000 रुपए का। तो ये क्या लेस होगा सर? हाँ, ये लेस होगा सर। स्क्रैप दिया हुआ है, स्क्रैप कोई काम का भी नहीं, ठीक है। चलो
स्क्रैप रेट, यहां पे मैं बेस करूंगा दो चीज। पहला तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। सर क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितने का था? सर क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितने का है? देखो यहाँ पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितने का, 35 का है, 35,000 प्लेस होगा और साथ ही साथ तुम्हारा ये 20,000 प्लेस होगा, 3520। यहाँ पे 35,000 प्लेस करूंगा मैं, 35,000 और यहाँ पे 20,000, ये पूरा का पूरा लेस होगा। क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा सर? हाँ सर, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है। ये आपका आएगा 280,000, ये आएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये मैं ब्लू से लेकर आऊ, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं सर? इसमें हम लोग जोड़ते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जोड़ने के बाद आता है अपना प्राइम कॉस्ट। चलिए जोड़ते हैं, देखिए है क्या। देखो कॉस्ट शीट में ना क्वेश्चंस ना थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में ना डेटा ना सब माइंड में घूमने लगता है, तो क्या करना ना क्वेश्चंस को पढ़ते ही जैसे जिसका इसका सॉल्यूशन आप कर चुके हो उसको आप कट कट के बाहर भेज देना। जैसे मैं बता पाऊँ, अब जैसे मैंने रॉ मटेरियल परचेस मैंने यूज कर लिया, मैंने इसको कट कर दिया पेंसिल से कट करना, ठीक है। एबनॉर्मल उसको मैंने यूज कर लिया, मैंने कट कर दिया, ठीक है। कैरेज इनवेंट को मैंने यूज कर लिया, मैंने कट कर दिया। चार्जेबल एक्सपेंसेस इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या है बताओ ये? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री वेजेस क्या है? अपना डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पे मैं दोनों को जोड़ूंगा, चार्जेबल एक्सपेंसेस और फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस 2,40,000 और चार्जेबल एक्सपेंसेस 2,40,000 और 80,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,40,000 और यहाँ पे 80,000। 2,40,000 क्या है सर? ये 2,40,000 है आपका फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस। सर ये 80,000 क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब चार्जेबल एक्सपेंसेस। आपको दोनों में से कोई भी लिखना है, लिख लो, ये दिक्कत नहीं है। यदि मैं 2,80,000, 2,40,000 प्लस 80,000 जोड़ूंगा तो आपका आ जाएगा ये प्राइम कॉस्ट, आ जाएगा क्या जाएगा बताओ? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है सर? प्राइम कॉस्ट 6,00,000। कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है अमाउंट 6,00,000। सर लास्ट वाला कॉलम में नहीं लिखोगे? अरे भाई मैं समझा रहा हूँ ना, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, वो सब मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक है। यहां तक समझिएगा पहले, बताओ भाई। यस सर, समझ आगे बताओ सर। अब आपका फैक्ट्री कॉस्ट तक आ गया, मैं यहाँ पे इसको भी मार्क करूंगा कि मैंने इसको यूज कर लिया, मैंने इसको कट कर दिया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, हाँ सर फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो क्या जाएगा सर? वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। जोड़ते हैं सर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैं इसमें जो जोड़ूंगा क्या? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कितना है सर फैक्ट्री एक्सपेंसेस? फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका कितना? 1,60,000। कितना सर? 1,60,000। 1,60,000 फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैं यहां पे जोड़ूंगा। और कुछ जोड़ेगा भी सर? हाँ देखो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, हाँ WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ओपनिंग जोड़ेगा और क्लोजिंग क्या होगा? माइनस होगा सर। ओपनिंग जोड़ेगा क्लोजिंग माइनस, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, एड ओपनिंग WIP मेरा लेस क्लोजिंग WIP। थोड़ा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, थोड़ा आप कॉपरेट करोगे क्लोजिंग में, ठीक है। ओपनिंग WIP कितना है सर? ओपनिंग WIP कितना है सर? ओपनिंग WIP आपका है, एक मिनट, ओपनिंग WIP आपका है, आपका है 32,000 का। ओपनिंग WIP है 32,000 का और क्लोजिंग WIP 24,000, इसमें 32,000 का जोड़ूंगा एंड 24,000 का माइनस कर, ठीक है। ये जो अमाउंट आएगा इसे क्या बोलेंगे सर? वर्क्स कॉस्ट। इसे क्या बोला जाएगा सर? इसे बोला जाएगा वर्क्स कॉस्ट। ये बताइए कितना आ रहा है? 6,00,000 प्लस 1,60,000, 7,60,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000 माइनस 24,000, ये आपका आ रहा है 7,68,000, 7,68,000। समझ गया क्या?
यस सर, समझ गया समझ गया। आइए अब क्या होगा सर, फैक्ट्री से निकल गया सामान, कहाँ जाएगा? ऑफिस में। हाँ सर, तो फैक्ट्री का ऑफिस का खर्चा, फैक्ट्री का ओवरहेड मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, अब आप जिसको कॉस्ट शीट में दिक्कत है ना, मेरा एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट को जाकर देख लो, काम हो जाएगा आपका। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे दिया है कितना रुपए का, 84,000 रुपये, मैं जोड़ दूंगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, एड एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड सर कितने का है सर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने का देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है आपका 84,000, 84,000 यहाँ पे जोड़ दो, ये आपका जो अमाउंट टोटल आया ये देखिए कितना 100। इसे क्या बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओ, क्या बोला जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए कितना आ रहा है, 7,68,000 प्लस 84, 8,52,000 ये आ रहा है, कितना, 8,52,000। यस सर, समझ गए समझ गए। चलिए अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने 8,52,000 तक हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग को क्या खर्चा जुड़ेगा सर, सेलिंग का खर्चा जुड़ेगा, तो मैं पहले यहां तक पहले इसको इसको हटा देता हूँ, सेलिंग का खर्चा जुड़ेगा 44,000 जोड़ोगे सर, एड सेलिंग एक्सपेंसेस, एड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 44,000, कितना है सर, 44,000 को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, ठीक है, यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा एक बात बताओ, सेलिंग को मैंने नीचे भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आइए मैं इसको क्या करूंगा, मैं ऐड करता हूं इसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स, मैं इसे लेस करूंगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आपका क्या आ जाएगा अमाउंट, ये आपका अमाउंट क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आ जाएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओ जी एस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीओ जी एस। सर सीओ जी एस आने के बाद क्या हम लोग यहाँ पे सेलिंग का खर्चा जोड़ देंगे, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं सीओ जी एस के बाद क्या करते हैं, सेलिंग का खर्चा जोड़ देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा जोड़ देंगे, यस सर, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये जैसे हम लोग जोड़े उसके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, आ जाएगा कितना, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, तो क्या निकल जाएगा, ये सर सेल निकल जाएगा, समझ गया क्या, यस सर। चलिए सर, सर ओपनिंग फिनिश गुड्स तो लिखा हुआ ना सर, दिया हुआ ना, लिख लो, 1,63,900 दिया हुआ, 1,63,800 रुपया दिया हुआ, फटाफट से आप ऐड कर दो, 163,800, देखो एड 163,800 ये सम्स में गिवन है, बट लोचा लोचा जो कुछ कुछ लोचा है ना मेरे दोस्त, वो है क्लोजिंग फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो एक बार क्लोजिंग फिनिश गुड्स का यूनिट दिया हुआ है बट आपको रुपया नहीं दिया, तो अब आते हैं यहाँ पे फंसते हैं, मैंने ऑलरेडी मैंने को बताया आपको बताया है कि मैंने आपको क्लास में भी जो बताया था मैं उस हिसाब से मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने आपको बताया कैसे कैसे पढ़ना है, जहां सम्स करना है, जहां जहां फंसोगे वहां वहां आपको उस हिसाब से ठीक करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे फंस गए सर, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका बन नहीं रहा है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसका पर यूनिट का कास्ट, की पर यूनिट का कॉस्ट निकल जाता है, तो हम लोग 7,000 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो सर पर यूनिट का अपने को कॉस्ट निकालना है, अब हम लोगों का देखो लास्ट वाला जो कॉलम था ना अब हमारे काम का आ जाएगा, समझ गए क्या, ये जो मैंने कॉलम बनाया था ना कॉस्ट पर यूनिट, ठीक से कर देता हूँ, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। चलिए अब उसको देखने के लिए आप थोड़ा सा पहले सम्स में देखो एक बार कि आप प्रोडक्शन कितने का किए, आप एक बार प्रोडक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, प्रोडक्शन कितने का किए, अब देखो तो एक बार आपने प्रोडक्शन कितने का किया वो निकालना है, अब देखो एक बार आपने फिनिश गुड्स को बेचा है कितना यूनिट, 42,000 यूनिट को बेचा है, ठीक है सर, फिनिश गुड्स का 42,000 यूनिट को बेचा है, ओपनिंग था तुम्हारा 9,000, क्लोजिंग का 7,000, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, आप यदि वर्किंग नोट निकालोगे, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यदि मैं वो निकाला तो ऐसे निकल सकता, देखो तो एक बार आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने का था सर, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने का था, पहले ये देखो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने का था, 9,000 ना, 9,000 आपने 9,000 का फिनिश गुड्स था, 9,000 फिनिश गुड्स था, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, एंड में आपके पास 7 बच गया,
और आपने बेचा कितना है सर? 42,000 यूनिट। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो तो मैं सेल को क्लोजिंग से जोड़ सकता हूं। हाँ सर, सेल को मैं क्लोजिंग से जोड़ दिया, क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग 7,000। क्या मैं ओपनिंग से माइनस कर सकता हूँ? हाँ सर, ओपनिंग से माइनस कर सकता हूँ। सर ये क्या करते हैं सर? एकदम नहीं समझ में, सर एकदम नहीं समझ में, को बताइए सर, ये तो बताइए पहले, बताइए अमाउंट कितना आ रहा है पहले ही बताओ। ये आपका 47, 49 ना, 49 माइनस 9 कितना आएगा? 40,000 यूनिट। सर ये क्या किए? अरे भाई देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है, परचेज यहाँ पे आता है, सेल्स यहाँ पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता है। आपको निकालना है कि आपने प्रोडक्शन कितना किया। परचेस के जगह पे प्रोडक्शन है, हाँ सर परचेस के जगह पे प्रोडक्शन है, फिनिश गुड्स थोड़ी हम लोग खरीद रहे हैं, फिनिश गुड्स हम लोग बना रहे हैं इसलिए सर ठीक है। सेल्स कितना किए सर? सेल्स किए हैं सर आपका 42,000। हाँ सर ठीक है, 42,000 सेल किए हैं, ठीक है सर। क्लोजिंग कितना था? 7,000। ओपनिंग कितना था? 9,000। क्या हम लोग इसको जोड़ के इससे माइनस करें तो नहीं निकल जाएगा? ये सर वही मैंने ऊपर में लगाया, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ रहा है, ये आपका किस समझ में आ रहा है क्या? ये सर ये ट्रेडिंग अकाउंट की तरह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये अकाउंट थोड़ी बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो? कॉस्ट बना रहे हो, तो आपको वैसे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है समझे क्या? 40,000 आप देखो यार, अब करना क्या है आपको, ये सब का जो जो मैंने ब्लू पॉइंट से किया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपका परचेज, प्राइम कॉस्ट, ये सबको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 40,000 से। तो फटाफट से 28 से डिवाइड 40,000 पर, तो आ जाएगा आपका 7 रुपया। कितना आएगा सर? ये आ जाएगा आपका 7 रुपया। कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 7। मैं इसको ब्लू सिल्वर कर दूंगा, इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, मैं रेड कर रहा हूं। यहाँ पे कितना रुपया सर? मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 रुपया। समझ गया क्या? अरे भैया समझे क्या? यस सर। नाउ अब आप 6 लाख को भी कितना डिवाइड कर, 40,000 से 6 लाख डिवाइड 40,000 आ जाएगा 15 रुपया। कितना आएगा सर? ये आएगा 15 रुपया, ठीक है। अगेन आएगा तुम्हारा 19 रुपया 20 पैसा। कितना आ रहा है सर? ये 19 रुपया 20 पैसा, ठीक है। साथ साथ करो मेरे दोस्त, साथ साथ करो, साथ साथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह आएगा आपका लास्ट 8,52,000 को डिवाइड कर दूंगा मैं 40,000, तो आ जाएगा तुम्हारा 21 रुपया 30 पैसा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक में कोई डाउट नहीं सर, यहां तक में तो कोई डाउट नहीं है। अब अपने को देखो यहां पे, अब हम लोग यहां पे फर्स्ट है सर, इसका अब अमाउंट क्या निकलेगा? अब एक चीज देखना, क्लोजिंग स्टॉक का कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसको लिए वर्किंग नोट जा रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर टू में हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि कौन सा मेथड है सर? फीफो मेथड। कौन सा मेथड है सर? फीफो मेथड है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखो एक बार क्या करना है, एकदम सिंपल करना है, एकदम सिंपल। ये जो अमाउंट आया था ना, ये जो 8,52,000 जो दिख रहा ना, इससे डिवाइड करके 40,000, तो अमाउंट आएगा 21 रुपया 30 पैसा। या तो आप फीफो मेथड दे दी है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 7,000 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 21 रुपया 30 पैसा। बट फिर भी आपको ये दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो, देखो जो मैंने ऊपर में किया था उसको दिखा देना है यहाँ पे। 8,52,000 को मैंने क्या किया, 40,000 डिवाइड किया, हाँ सर, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 7,000 से। तो आपका ये अमाउंट आ रहा है 1,49,100, 1,49,100। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया, ये आगे क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 149,100 रुपीज। अच्छा सर 8,52,000 में, अच्छा जो जो रेट आया था ये रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ बस यही था, ठीक है। फीफो में रेट दिए होगा तो ऐसे ही करना, समझे क्या? अरे भैया समझे क्या? यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा बताओ, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, 8,52,000 प्लस 1,63,800 माइनस 1,49,100 कितना आ रहा है देखो, 8,66,000 कितना, 700 रुपया। समझ गया क्या? यस सर, ठीक है। अब हम लोग इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे सर, डिवाइडेड 40,000। नहीं, यहां पे सब्सटेंशियल स्टूडेंट गलती करते, ध्यान रखिएगा बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे 40,000 से डिवाइड कर देते, नहीं यहां से जब जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला
वहां से जो आपको डिवाइड करना है वो आपका सेल से डिवाइड करना है। कितना यूनिट आपने बेचा था, देखो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कितना यूनिट बेचा था आपका, आपने 42,000 यूनिट बेचा था, डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड 8,66,700 से डिवाइड करोगे किससे, 42,000 से, तो अमाउंट आपका आ रहा है 20 रुपया 64 पैसे 64 पैसे सॉरी 64। समझ गया क्या? यस सर। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा दिया हुआ देखो तो, हाँ सेलिंग का खर्चा दिया हुआ 44,000, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ अलग से, ठीक है तो ठीक है, सेलिंग का 44 और उसका 36, मैं दोनों को जोड़ के लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो 44 प्लस 36 कितना आएगा, ये 80,000 रुपीज इसमें ऐड कर दो, 80,000 रुपीज जैसे आप ऐड करोगे तो अमाउंट कितना आएगा, 9,46,700। यहां तक कोई डाउट नहीं सर, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे सर, अब तो आपको सेल का अमाउंट दिया हुआ ना, सेल का अमाउंट दिया 11,55,000, सेल का अमाउंट दिया हुआ है कितना, 11,55,000, मैं यहाँ पे सेल के अमाउंट के 11,55,000 का दिया हुआ है लिख दूंगा, और इससे इससे बैलेंस करके निकाल दूंगा क्या प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा 11,55,000 माइनस 9,46,700 कितना अमाउंट आ रहा है देखिए, 11,02,800 ठीक है, समझ गया क्या? यस सर, ये सर यहाँ पे समझ में आ गया, समझ गए सर, समझ गए समझ। बस अब तो क्या करना है यहाँ पे ना, यहाँ पे ना पर यूनिट का तुमसे पूछा था तो पर यूनिट का निकाल दो, क्या करोगे डिवाइड बाय 42,000, डिवाइड बाय 42,000 करोगे तो कितना आएगा, 22 रुपया 54 पैसा आएगा, ये आएगा 22 रुपया 54 पैसा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट शायद दिया हुआ था, शायद नहीं दिया था क्या, ठीक है इसके तो डिवाइड करके रेट निकाल दोगे, ठीक है ये निकाल दोगे उसका ये निकल जाएगा, ये आपका आंसर कितना आएगा मैं बता देता हूँ, ये आपका 4 रुपया 96 पैसा, 4 रुपया 96 पैसा। दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट, क्वेश्चन नंबर 9 कॉस्टशीट का सम्स था, ठीक है फीफो मेथड का सम्स था आपने कर लिया, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हो। अच्छा आगे बढ़ते मतलब क्वेश्चन नंबर अपना आएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है, चलिए पढ़ते क्वेश्चन को क्या है दिया हुआ, बोला सनलाइट इंजीनियरिंग कंपनी एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए एंड सॉरी उसके पास दो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है, दो प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है सर, ए और बी दो डिपार्टमेंट है, ए और बी दो डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड ऑल्सो अ टू सर्विस डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है तुमको यहाँ पे कॉस्ट दे दिया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, डिपार्टमेंट ए का डिपार्टमेंट बी का अलग अलग, एक्स का वाई का अलग, ठीक है इनडायरेक्ट वेजेस दे दिया है 9,000 रुपए का, रेंट दे दिया, सब खर्चा दे दिया, ठीक है उसका दिया हुआ क्या, डिपार्टमेंट ए का डिपार्टमेंट बी का डिपार्टमेंट सी का डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई का, तुमको यहाँ पे बाइफर्केशन करके जो बांटने का जो बेसिस होता है ना वो तुमको दिया हुआ है, ठीक है समझे क्या? यस सर। यहाँ पे कुछ कुछ मिसिंग है, नहीं कुछ कुछ मिसिंग है क्या, नहीं कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है चलिए आइए आइए समझ कर देगा। अच्छा फटाफट से फॉर्मेट करनी है, यहाँ पे क्या करना है देखो, यहाँ पे करना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, ठीक है चलिए आइए कर देगा फटाफट से फॉर्मेट, आप भी टनी मैं भी टनता हूँ। सबसे पहला फॉर्मेट टान दिया, फॉर्मेट में लिख लेना भाई फटाफट से पर्टिकुलर्स बेसिस रेशियो और क्या होगा और क्या होगा और क्या होगा टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, ये भी ए है बी है यहाँ पे एक्स एंड वाई है, ठीक है चलिए फॉर्मेट बन गया आपका किसका क्वेश्चन नंबर 10 का, ये एक स्टेटमेंट शोइंग व्हाट सेकंड स्टेटमेंट शोइंग व्हाट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, आप पूरा का पूरा लिख दोगे, ठीक है मैं फॉर्मेट को पूरा इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है चलिए फटाफट से समझ करते चलिए। सबसे पहले बन दिया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, सबसे पहला कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट दिया हुआ है इंडेक्स, ऊपर में दे देना कुछ नहीं सर, सबसे पहले दिया हुआ है इंडेक्स मटेरियल डिपार्टमेंट ए का 1,700, 1,800, 1,400 फटाफट से लिखो इंडेक्स मटेरियल, सबसे पहले इंडेक्स मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल तो कितने का सर 17,800, 1,700 इनडायरेक्ट मटेरियल 17,800 और 400 ठीक है सर, यस ठीक है यहां तक हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, सो इसके इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ कितना रुपया 9,000, अब इनडायरेक्ट वेजेस दे दिया 9,000 रुपया, अब इसको सर कैसे बांटेंगे, इनडायरेक्ट वेजेस
टोटल अमाउंट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे टोटल में लिख दूंगा 9000 को बांटने का रेशियो बताइए सर, कौन से रेशियो में बांटे है? देखिए ना यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्ट वेजेस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट सकता हूँ। हाँ सर डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट दूंगा। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो क्या होगा 4:5:1:3, 4513, 4513, इसका रेशियो बांट, मैं इसको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट रहा हूँ 4513। सर कुछ और फॉर्मेट से हम लोग करते हैं, करो ना कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बांटोगे, मैं बांटने का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कितना 2769, 2769, ये कितना आएगा सर, ये आएगा 3462, 3462, उसके बाद आएगा तुम्हारा 692, 692, और इसके बाद आएगा तुम्हारा 2000, 2000, ठीक है। चलिए आइए, उसका डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है सर, रेंट, रेंट को 8000 रुपीज, रेंट दिया हुआ, रेंट अगेन टोटल अमाउंट में 8000 रुपीज। सर इसको बांटने का तरीका, तो सर ये तो होता है आपका फ्लोर एरिया, एरिया दिया हुआ है क्या, देखो एरिया दिया हुआ है आपका, ये बांट दे इसको, क्या होगा 2312, 2312 के रेशियो में एरिया, क्या होगा 2312 ना, 2312, 2312 के रेशियो में बांट कितना आएगा, ये आएगा 2000, ये 2000, तो ये भी 2000 ही होगा सर, तो ये 1000 रुपया होगा, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा 3000। समझे क्या? अरे भैया समझे क्या? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्या, कैंटीन चार्जेस, कैंटीन चार्जेस 1800 रुपया, कैंटीन चार्जेस, ठीक है। ये सब तो रसगुल्ला समझा भाई, ये सब तो रसगुल्ला समझा है, ठीक है। कैंटीन चार्जेस कितने रुपए का दिया हुआ सर, 1800 रुपए का दिया हुआ, 1800 रुपए में यहाँ पे लिख दू, 1800 रुपए में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब इसको कैसे बांटे सर, इसको बांटने का तरीका बताइए सर, ये तो बता दिए, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से बांटने, इसके रेशियो में बांट, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्क, इसका भी कोई रूल नहीं है, इसका भी कोई रूल नहीं है, बट अपने को करते करते अपने को आइडिया आ गया कि हाँ इसको ऐसे बांटना है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो क्या आ जाएगा, 20, 25, 2, 3, तो आएगा 20, 25, 2, 3, ऐसी 20, 25, 2, 3, 20:25:2:3, बताओ कितना रही है, अमाउंट आ रहा है 720 रुपये, ये अमाउंट आएगा 720 रुपये, ये अमाउंट आएगा आपका 900 रुपये, ये आपका आएगा 72 रुपये, और ये आपका अमाउंट आ जाएगा 108 रुपये, ठीक है। मैं फॉर्मेट मतलब मैं कैलकुलेशन उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट कराना, ये पूरा पेपर कंप्लीट कराना, ठीक है। चलिए आइए, लाइटिंग, लाइटिंग दिया हुआ तुम्हारा 2200 रुपया, लाइटिंग 2200 रुपये, इसको बांटने का तरीका क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट यदि होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, नंबर सिटी पॉइंट है ये वाला, 5411, इलेक्ट्रिक पॉइंट 5411, ये देखो कितना आ रहा है, ये आएगा 2200 को बांटोगे तो आएगा अमाउंट 1800, 200, 1800, 200, मैंने ऑलरेडी क्लास में कराया था, तो मेरा सॉल्यूशन मेरे पास है, तो मैं उसी को देख के करा रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, आप एक बार अच्छे से एक बार देख लेना है, हाँ ठीक है। चलिए लाइटिंग हो गया, लाइटिंग के बाद आपका जो पॉइंट दिया हुआ है वो है अपना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ सर, डेप्रिसिएशन दिया हुआ अपना 2000, डेप्रिसिएशन 2000, इसको इसको किसमें बांटे सर, इसको बांटते हैं वैल्यू में, बांटते हैं वैल्यू ऑफ फिगर सर, सी वाला अमाउंट, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स का आपका रेशियो निकालोगे तो आपका आएगा 5:6:2:3, ठीक है सर, ये क्या हो, इसको बांटोगे तो आएगा 625 रुपया, ये आ जाएगा 750 रुपया,
ये अमाउंट आएगा 250 रुपये, ये आ जाएगा तुम्हारा 375 रुपये। समझे क्या? यस सर। इसमें समझने लायक कोई चीज ही नहीं था भाई, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं। और कुछ ट्रांसफर करना है सर? हो गया सर, हाँ हो गया। बट खाली ध्यान रखना, अपने को तो पता है ना, ये वाला लेते हैं डायरेक्ट रेस का अमाउंट लेते हैं बस, वो भी किसका? सिर्फ सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लेते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट रेस का सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट ट्रांसफर कर, बस हो गया डायरेक्ट बेजेस। क्या 2006 था ना, 2006 ट्रांसफर करो, 2006 बस, 2000 लास्ट था ना, 2006 था यहाँ पे, 2000 और यहाँ पे 6। क्या हो गया सर? हाँ सर हो गया, हो गया। हवा को जोड़ जोड़ सकते हैं सर हम, जोड़ दो तो, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ो ना कितना आ रहा है, देखो ना कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। यहाँ पर टोटल कितना आएगा? ये आएगा 34,900, 34,900, ठीक है? ये कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 8814, 8814। ये आपका आएगा 9912, 9912, 5014। और आपका आएगा 11,160 रुपीज। ये तुम्हारा आपका आ गया टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आपका रोल कॉस्ट, ठीक है? समझे क्या? यस, ठीक है। अब आपको दिया हुआ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। मैं यहाँ पे साइमल्टेनियस से करके कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आपको पता है कैसे करते हैं हम? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कैसे बनता है? साइमल्टेनियस मेथड से कैसे समझते हैं आपको पता है? मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे मैं, यदि मैं एक्स लिखूं, यहाँ पे मैं वाई लिखूं, तो देखो एक्स वाई को कितना दे रहा है? एक्स देखो वाई को कितना दे रहा है? एक्स दे रहा है, एक्स अपने हिस्से का 20% दे रहा है वाई। तो मैं यहाँ पे 0.2 दूंगा, 0.2। और वाई जो है एक्स को कितना दे रहा है सर? एक्स दे रहा है 10%, ठीक ना? यही ना, यस सर। तो मैं यदि फैक्टर इसके हिसाब से यदि मैं इक्वेशन बनाऊं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो फिर एक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स का अपना अमाउंट, एक्स का अपना अमाउंट था 5014 प्लस वाई का 0.10 वाई। हाँ सर, हाँ समझ गए सर, समझ गए। अरे भैया एक्स को वाई दे रहा है 10%, एक्स को वाई दे रहा है 10%, ठीक है? तो मतलब एक्स का टोटल अमाउंट कितना है? एक्स का अपना जो अमाउंट होगा वो, और वाई का 10%। हाँ सर, तो वैसे ही वाई का बताइए सर, वाई का बताइए, वाई का कितना होगा? वाई का अपना अमाउंट कितना है? 11,160 रुपये, 11,160 रुपये प्लस वाई एक्स का 20%, यस सर। बस ये आपका फैक्टर वन हुआ, ये आपका इक्वेशन वन हुआ, ये इक्वेशन नंबर टू हुआ। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने आपको आता होगा, मैं ये आशा करता हूँ, ठीक है? चलिए खुद से सॉल्व करोगे आप लोग? वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है? चलो ट्राई किया हो गया, करना क्या? देखो कुछ नहीं, बस आपको ये जो वाई दिख रहा है ना, ये वाई जो दिख रहा है ना, इस वाई के जगह पे पूरा का पूरा अमाउंट को उतारना, उसके बाद सॉल्व करके एक्स निकाल दो, एक्स निकालने के बाद वाई निकल जाएगा, खत्म। चलो आ जाओ देखते हैं, एक्स इक्वल 5014, 5014 प्लस 0.10 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे। हाँ सर, 1116 प्लस 0.20 एक्स, यस सर। मैं मल्टीप्लाई यदि करूंगा तो आपका यहाँ पे एक्स तो रहेगा, यहाँ पे 5014 आ जाएगा, प्लस मैं यदि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1160, 1 मिनट, 1160 मल्टीप्लाई बाई 0.1 कितना आएगा? 1116 रुपया प्लस 0.1 प्लस 0.1 × 0.2 आएगा 0.00x। यदि मैं x को एक जगह पे लेके जाऊं तो यहां पर जाएगा x माइनस 0.02x। हाँ सर, 0.02x। और इसको मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा? देखो 5014 प्लस 1116 कितना आएगा? 6130, क्या आएगा? 6130। तो क्या हम लोग अब एक्स का मान निकाल सकते हैं? सर यदि आप इसको माइनस करो तो 1 माइनस 0.0 कितना आएगा? 0.98, यस सर।
या कोऑर्डिनेट अगर तो एक्स का मान निकाल सकता हूं, हाँ सर 6130, 6130 डिवाइड बाय कोऑर्डिनेट, ठीक है 6130 डिवाइड बाय 0.98 आपका अमाउंट आएगा 6255, 6255। वैसे अब तो एक्स का वैल्यू निकल गया, यदि एक्स का वैल्यू निकल गया तब तो एक्स वाई का वैल्यू आराम से निकल जाएगा सर। ये कैसे निकलेगा सर, एकदम सिंपल, इस किसी भी इक्वेशन में एक्स का जगह पे हम लोग ये पूरा ये वाला अमाउंट उतार देंगे, वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है वाई का बार सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद अमाउंट आ रहा है आपका, मैं देख लिया लिख दे रहा हूँ 1241 हो गया क्या सर, हाँ सर। बस खाली आपको स्टेटमेंट बनाना है, अब आपको यहाँ पे इसके बाद स्टेटमेंट बनाना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये दोनों का अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, शायद मैंने आपको क्लियर कर दिया है दोनों चीज, ठीक है। चलिए आगे का सम आप खुद कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था अपना, कंप्लीट मैंने कर दिया है, ठीक है समझ गए क्या, इसको वो स्टेटमेंट बनाना मत भूलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है अभी।